नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसी अनजान इलाके से गुजर रहे हैं। ये बागपत बड़ौत का इलाका है। जिस तरह से अखबारों में और टेलीविजन में नेताओं के बयानों से चुनाव की हलचल आपको नजर आ रही है, 50-60 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया है और चुनाव की चर्चा शुरू कर दी है। जिंदगी उसी तरह से सामान्य है और आम है। हम यही जानने के लिए, किसी के पास कोई ऐसी मशीन तो होती नहीं है कि वो बता दे कि कौन जीतेगा या कौन हार रहा है, लेकिन फिर भी लोग अपने घरों में या अपने फुर्सत के पलों में ज़रूर एक दूसरे से बात कर ही रहे होंगे कि किसे मतदान करना चाहिए या किसने अच्छी तरह से अपने मैनिफेस्टो को सामने रखा है, किसका गठबंधन कैसा है या किसके मुद्दे क्या हैं। लेकिन इन सब के बीच में आपको जो ज्यादातर आवाज सुनाई दे रही है वो नेताओं की आवाज सुनाई दे रही है। टेलीविजन में और अखबारों में वही नेता बोल रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के ही बयान चल रहे हैं और टिकटों में आपको परिवारवाद और अपराधियों के आंकड़े नजर आ रहे हैं। मुद्दे क्या होने चाहिए, इसकी कोई बहुत साफ समझ अभी तक उभर कर नहीं आई है कि किन मुद्दों के लिए किसे हराना है और किन मुद्दों के लिए किसे जिताना है। उन मुद्दों में इलाके के हिसाब से वो मुद्दे क्या हैं या राज्य के हिसाब से मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में, ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये सब बातें कहते कहते हम एक गांव में प्रवेश कर चुके हैं, तो हमारा कैमरा जहां जैसे घूमेगा, आप उस गांव को भी देखिएगा, उत्तर प्रदेश के गांव को, और तमाम बातचीत, जो भी लोग जहां भी जिस राजनीतिक ख्याल के मिलेंगे, हम उनसे बातचीत करते चले जाएंगे। ये कौन सा गाँव है? सैड भर। अच्छा, ये मेरठ से कितनी दूरी पर है? मेरठ से 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर दूर है। ये चीनी के लच्छे खाने में बड़े अच्छे, बाल के बदले बाल, एक के दो के चार, गणेश दिनों में आया, मोटे मोटे ले आया, 16 लोग के लाल ये चीनी के बाल। 16 लोग से आए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप पैसा दे के सामान बेचते हैं, ये वाला बेचते हैं, या सामान के बदले ये देते हैं? सामान के बदले भी, पैसे के बदले भी। इनका पूरा बार्टर सिस्टम नोटबंदी से पहले से चल रहा है। नोटबंदी के समय वस्तु विनिमय प्रणाली की बात लोग जिक्र करने लगे इस तरह से कि पहली बार कोई चीज हो रही है, लेकिन गाँव में देखिए कि कोई बोतल के बदले ये देते नहीं, एक बोतल के बदले एक है। अच्छा, और ये पुराने गत्तों के वगैरह बदले में देते हैं। कोई सियासी गाना तो नहीं गाते हैं ना? नहीं गाते हैं, तो ठीक है, आप जा सकते हैं। इनका माल बेचना आए हो? हाँ, माल बेचिए अपना। मेन आदमी के यहाँ नहीं जाना, मैं जहाँ बहुत सारे आदमी हो वहाँ जाना है। ये आई तुलसी, हम दिखाते हैं गाँव में। ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाया, ठीक है। नाम देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, लाभार्थी का नाम कृष्णपाल है ना, और जाति भी है यादव, वर्ष 2015-16, और शौचालय संख्या 64। मतलब जातियों के हिसाब से भी आप देख रहे हैं कि इस शौचालय का प्राप्तकर्ता की जाति से क्या लेना देना है। लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पे, ये पानी की टंकी इसमें बनी हुई है, लगता नहीं है किसी ने इस्तेमाल किया है। खोल के भी देख लेते हैं, नहीं खोल के लगता है कि इस्तेमाल हुआ है। और ये नहाने का बाथरूम बना हुआ है, ये आपका है? आइए, कब बना है ये, किसकी है ये, भी बना हुआ है? ये तो सर, ये तो देता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? तो ये बाथरूम आपका है? हाँ, ये जो शौचालय आपके लिए बना है। हाँ, तो ये जहाँ भी बना है इसमें जाति भी लिखी गई है? हाँ जी, सभी जगह लिखी गई है, अलग अलग जातियों के नाम लिखे हुए। हाँ, आप जब वोट डालने जाते हैं, ठीक है, तो पूरा गांव जिधर वोट डालता है उधर डालते हैं या अखबार पढ़ के अपना फैसला करते हैं? अपने आए तो जी, अपने गाँव की एक स्थिति रहती थी, सभी की जिस तरह रहो नहीं, गांव में दो ही आदमी हैं। हाँ, दो उधर है या उधर है, कोई भी ऐसे। तो मतलब आप अपने तरफ से फैसला करके नहीं डालते, लोग जिधर तय करता है उधर डालते? हाँ जी, उधर तय करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप, अपना खुद वोट क्यों नहीं डालते? ऐसा ही जी, हाँ तो जी। हाँ, हम ऐसा ही गांव में, हमारे बड़े हैं जी, वो जो करे वो जो बड़े हैं वो कह देते हैं। पर आप, आपकी अपनी कोई पसंद नहीं है ना? कोई पसंद कि किसी को जिताना है, किसी को हराना है? कोई पसंद नहीं, हमारे जो बड़े हैं जी, जैसे आप हमारे और भी बड़े हैं। अच्छा, जैसे वो कह रहे हैं ऐसे, ठीक है। अच्छा, सॉरी, इनके कान में देखिएगा वो बीमा का नंबर वो लगा हुआ है, ये बीमा का नंबर है ना, क्या है ये? ये ऐसा जैसे ये स्कीम करवा दे फिर गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, तो उनको 1000 रुपए मिलेंगे? हाँ, या मतलब इधर आइए, ये सब गुस्से में हैं।
तो इसमें 1,000 रुपया मिलता है? ना नानू कह रहे थे मिलेंगे, अभी मिले नहीं। मिले नहीं है? अच्छा, आप वोट देती हैं? हाँ। अच्छा, तो आप अखबार पढ़ती हैं? अखबार भी पढ़ लें। अच्छा, टीवी देखती हैं? ना जी, टीवी नहीं देखती है ना हमारे। तो आपको कैसे तय करती हैं कि इस पार्टी को इस बार देना है या इस पार्टी को नहीं देना है? बस जो जैसी कहते हैं गांव में ऐसी कर दे। नहीं, आप खुद अपना फैसला नहीं करेंगी? कर देंगे। तो कैसे करेंगे? किसी चीज से लाभ होगा जब तो करेंगे। तो गाँव गाँव वाले फैसला कर देंगे तो। क्या नाम है आपका? निशा। निशा, और कितनी बार आपने वोट दिया होगा, कुछ याद है? वोट तो पता नहीं, जब से गांव में भी दी और यहाँ भी शादी होने से बाद। अच्छा, वहाँ भी अपने मायके में दिया, ससुराल में भी दे रही। हाँ। एक ही पार्टी को देती रही है, बदल बदल के दिया? बदल बदल के दे रहे, बदल बदल के दिए। तो चलिए, फिर भी आप ठीक हैं कि आप बदल बदल के वोट देती हैं। हाँ। लेकिन आप उस ध्यान से अखबार पढ़ती हैं चुनाव के दिनों में कि हाँ क्या कौन क्या कर रहा, किसको वोट देना चाहिए? या इंतजार कर रही, कौन कहता है कि किसको वोट देना है? मतलब गांव का सरपंच कहता है या आपके हस्बैंड कहते हैं? ना ये तो यूँ है, अपना ये कहते हैं कि अब के इसकी उम्मीद है, इसे दे, अपना उसी हिसाब से कर। अच्छा, ठीक है, आइए देखिए। एक है कि गाँव में पक्की सड़कें बन गई हैं, नालियों का जाल भी गाँव में आ गया और यही समस्या का कारण भी एक तरह से प्लास्टिक पॉलिथीन की वजह से। नमस्कार नमस्कार, एक संवैधानिक चेतावनी दे दूँ कि हम तो टीवी वाले हैं, पत्रकार हैं, मेरा नाम रवीश है। और संवैधानिक चेतावनी ये है कि धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, पर हुक्का आपका पारंपरिक पान है। हम चुनाव के सिलसिले में आपके गांव के लोगों से बात करने आए हैं। आप अखबार पढ़ते हैं? ना हम तो बेपजे ही हैं भाई। नहीं पढ़ते हैं अखबार? टीवी देखते होंगे? ना हम तो, मैं तो टीवी नहीं देखते। आप अखबार भी नहीं पढ़ते? तो आप मतदान कैसे करते हैं? अंगूठा लगा दें भैया। अंगूठा नहीं, अंगूठा तो लगा देंगे, किस पे लगाएंगे ये कैसे तय करते हैं? जिस उस पे मोहर पे लगाऊंगे, जैसे बताओगा ऐसे लगा दें। कौन बताएगा आपको? वो बताने वाला रहे हुआ? नहीं, किस पार्टी को देना है? हाँ, कोई नेता अच्छा है कि नहीं है? हाँ, 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 जब अखबार पढ़ेंगे टीवी हाँ, देखेंगे तभी पता चलेगा। हाँ, ना कैसे तय करते हैं कि इस बार इसको हराना है कि इस बार इसको जिताना है? हाँ, अभी तो कुछ सिलसिला ही रहा है। नहीं, आप अखबार पढ़ते हैं? ना भैया, हम तो ये गुट्ठा ठेक। गुट्ठा ठेक, आप भी नहीं पढ़ते हैं? पर आपका पढ़े हुए ही ना, तो पढ़े कहाँ थे? एक मिनट भैया, हम इस किस्म के आदमी हैं, हम तो ना तो राजनीति में रहते। अच्छा, हम तो अलग रहे हैं। देखो, राजनीति में नहीं रहना, देश में तो रहते हैं, समाज में तो रहते हैं। तो हमको तो अखबार नहीं पढ़ेंगे, टीवी नहीं देखेंगे तो कैसे पता चलेगा? 90 साल की उम्र है। 90 साल है? 90 साल की उम्र है आपकी? बताइए, क्या नाम है आपका? रामशरण। रामशरण, और आपकी? श्री किशन। 70 साल। श्री किशन, अच्छा, आप इनसे 20 साल छोटे हैं। और आप दोनों अखबार नहीं पढ़े हैं? 20 साल के फासले में एक आदमी नहीं पढ़ा लिखा और आप भी नहीं पढ़े लिखे। तो आप जो भी फैसला देंगे, किसी को भी वोट दिलाएंगे, उसमें अखबार और टीवी का कोई रोल नहीं है ना? तो जो नेता, तो रैली में भी जाते होंगे आप? ना भैया, हमें तो काम से। आप रैली में भी नहीं जाते हैं? काम से फुर्सत ना होते हैं। ऐसे मत के, फिर लोकतंत्र का क्या होगा? आप रैली में नहीं जाएंगे, अखबार में नहीं पढ़ेंगे, टीवी नहीं देखेंगे? हमने देखा है कौन सा नेता बढ़िया है, कौन सा नेता बढ़िया है, उसे देंगे राय। अच्छा, तो नहीं देखने से दिख के, मैंने देखने में 90 वर्ष की उम्र है महारी। आज लुसारे ने किसी ने पेंशन नहीं करवाई महारी। पेंशन नहीं कराई? देख लो अब तो हर बार आप एक ही नेता को वोट देते हैं या पेंशन की उम्मीद में अलग अलग नेताओं को वोट देते हैं? आपकी कह रहे हैं कि 90 साल उम्र हो गई, आज तक आपको पेंशन नहीं मिली? आज तक भी नहीं मिली। किसी योजना के तहत पेंशन नहीं मिलता? दो बेर बंटवारी किताब देख ले, आपको पेंशन दो बेर किताब नहीं मिलती? नहीं मिलती। तो आप बताइए कि अब एक तो आपको ऐसे बहुत आदमी है और जब पेंशन नहीं मिली उन्हें, तो एक अनुभव आपको ये हुआ कि कोई सरकार की योजनाएं तो होती हैं केंद्र और राज्य की कि वृद्धावस्था पेंशन दिया जाएगा? हाँ। आप कह रहे हैं आपको पेंशन नहीं? जबरदस्ती जो चौखा आदमी है उसके तो काम बन जा सारे, और जो गरीब आदमी है उसे ना बुझता कोई भी, भाई से बुझ ले। तो आपके यहाँ बिजली का कनेक्शन है, घर है, इतना बढ़िया, आप हुक्का पी रहे हैं, लेकिन आप अखबार नहीं पढ़ते? हम तो उसके पराए, देख वो दे रहा हमें तो, ऊपर वाला दे रहा है। अच्छा, उसके ऊपर वाले के सरकार के आगे इस सरकार की कोई अहमियत नहीं है? आइए प्लीज आइए, आप भी बैठे कुर्सी लगा। तो आप दादाजी को हेल्प नहीं करती हैं कि देश में क्या चल रहा है, किस चीज पे बहस? नहीं करते हैं, पर यहाँ के लोग ही नहीं मानते, नहीं देते। पर ये कह रहे हैं कि अखबार नहीं पढ़ता, अभी चुनाव हो रहा है। तो मैं दो मतदाताओं से, आप वोट करती हैं? उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र? हाँ मेरी उम्र। आपने कभी वोट दिया है? दिया है। तो आप पेपर पढ़ती हैं?
नहीं न्यूज देखती हूँ। न्यूज देखती हूँ। तो घर में टीवी है? हाँ, टीवी है। पर घर में अखबार आता है? नहीं, अखबार नहीं आता। इस घर में अखबार नहीं आता है, हाँ? तो फैसला कैसे करती हैं कि ये नेता जो बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है या सिर्फ बोलने में ही ठीक है, इसके काम का कुछ पता नहीं चलता? तो ये कैसे, बहुत सारे ऐसे नेता शातिर हैं जो अपने मतलब कुछ तो बढ़िया बोल रहे हैं सब नेता। हाँ, तो आप कैसे पता करेंगे? अगर वो सब तो बढ़िया बोलेंगे ही, अपने लिए तो कौन नहीं अच्छा बोलेगा? नहीं, ये तो एक जनरल बात हो गई। कितने बार लेकर के जा, फिर कुछ भी। आप कैसे वोट करती? कौन कहता है कि किसको वोट करना? दादाजी कहते हैं कि इसको वोट करना, क्या ये कहते हैं? पापा जी बोलते हैं। पापा जी कहते हैं, तो पापा जी पढ़े लिखे हैं आपके, तो वो यहीं रहते हैं या बाहर रहते हैं? यहीं रहते हैं। आपके घर में अखबार नहीं आता है, टीवी है, बिजली का कनेक्शन है, घर आपका बहुत अच्छा है ना? लेकिन आपके दादाजी को आप लोग पेंशन नहीं दिला पाए? आप गई नहीं ब्लॉक में, मुखिया के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, ये इससे जो संबंधित अधिकारी होते हैं? पिताजी गए होंगे, है ना? आप नहीं गई हूँ। तो किसको वोट देना है, किस लिए वोट देना है, ये फैसला कैसे करती हैं आप? फैसला पापा बताते हैं। अभी पापा बताते हैं। और आपको दादाजी, आपको कौन बताता है? काहे की किसको वोट देना है? अब जब आप गाओगे, जब आप बता नहीं रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं, तो कैसे वोट करते हैं? मैं यही जानने आया हूँ आप लोगों को। आप अखबार पढ़ते हैं? ये तो बताते हैं वोट के बारे में। अच्छा, आप सुन नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन वोट तो देते होंगे ना? वोट देते होंगे, तो सबको एक बार में एक ही, हर बार एक ही को वोट देते हैं? फूल को देते हैं। अच्छा, ये फूल को देते हैं, बीजेपी को देते हैं आप वोट? अच्छा, आप बताइए, आप कितने लोगों को आपने वोट दिया अभी तक? कितनी बार वोट दिया है आपको पता ही नहीं है? आपने कभी वोट नहीं दिया? आपका वोट नहीं है यहाँ पे? ये कैसे हो सकता है? कट जावे जी। हाँ, लेकिन आप यहाँ की बाशिंदा हैं, रहती हैं, तो आपका वोट कैसे नहीं है? राशन कार्ड तो होगा ना आपका? राशन कार्ड भी बहुत दिन पहले ही है, अब ना। कोई कार्ड नहीं है आपको? कोई पेंशन मिलता है सरकार की किसी स्कीम से? किसी भी प्रकार का पेंशन मिला? जब मिलेगा इनका तो विधवा के जो मिले वही नहीं मिले, विधवा पेंशन भी नहीं मिला? लेकिन आपके पास वोटर आई कार्ड नहीं है, तो विधवा पेंशन का तो कोई कार्ड वार्ड होगा ना कुछ? वो भी नहीं है? आधार कार्ड है? हाँ। आधार कार्ड है, लेकिन सही में आपको नहीं मिला विधवा पेंशन? 30,000 आप कह रहे हैं मिला? नहीं मिले। और कितनी बार आपने कोशिश की मुखिया को बोलकर? एक साल लोग खूब पीछे फिरे प्रधान के। अच्छा, नहीं बनी, नहीं बनी आपको? हाँ। वो पैसा नहीं मिला? नहीं। तो जब आप वोट करती हैं तो एक ही पार्टी को हर बार वोट करती हैं या अलग अलग पार्टी को? ना, आपका तो हमने अलग दी नहीं गल्ले प्रधान को। नहीं नहीं, चुनाव में, लोकसभा में, विधानसभा में पूछा? वो तो जो गांव समाज जो साथ में रहे वही दुआ है, हमें तो पता ना, अंगूठा लगा हुआ है। तो ये भीड़ के पीछे चल के आप क्यों वोट देते? आप अपना सोच के वोट दीजिए। अंगूठा लगा हुआ है। इमामुद्दीन, संपर्क कीजिएगा, इधर आइएगा। हम तो अंगूठा लगा, ये पढ़े लिखे है, ये बताइए जरा, बाल धोने कोई दिक्कत? इधर आओ। आपके गांव में बताइए, कि लोग कह देगा तो सारे लोग एक जगह जाके वोट देंगे? ये तो अजीब बात है। अभी आदमी खुद कर सकता है? अब आदमी कर रहा है ना जजमेंट, लेकिन अभी भी तो गांव में लोग, चार पांच लोग मुझे मिले जो कहे कि बड़े बता देंगे तो? बड़ा कुछ नहीं, हम तो खुद बता रहे हैं अपना। अब आदमी काम मांगता है, जो भी काम करेगा उसके प्रति वोट जाएगा। तो ये काम का मूल्यांकन आप कैसे करते हैं? पेपर में पढ़ते हैं किसी सरकार का, या गांव में देखते हैं कि यहाँ हुआ कि नहीं? पेपर ज्यादा नहीं। तो न्यूज में तो काम की बातें होती नहीं? काम की बातें होती हैं, ज्यादा देश के प्रति होती है। कौन सी योजना आपके गांव में आई है ये न्यूज से आपको पता चलता है? ऐसा तो न्यूज हमने भी नहीं देखा, अखबार से लगता है उसको पता तो, लेकिन देश के प्रति लग जाए, बॉर्डर के अंदर क्या हो रहा है, बाहर संपर्क कैसे है? आप यहाँ बैठ के आप बॉर्डर की चिंता कर रहे हैं, वहाँ क्या? बॉर्डर की तो मेन चिंता है भाई, देश के अंदर हमारे आतंकवाद घुस जाएगा तो क्या रहेगा, कुछ भी नहीं। जब देश, लेकिन जो इस राज्य में चुन रहे हैं विधानसभा के चुनाव में, और वो उसकी सरकार की क्या नीतियाँ हैं? कोई अच्छी नीति होगी, कोई बुरी नीति होगी? कौन सी बुरी नीति है? बुरी नीति बताइए। अच्छी नीति सब लगाई रहे हैं, कोई तो आपका मत होना चाहिए ना कि ये नीति इनकी बेकार है, ये नीति अच्छी है। कौन सी नीति अच्छी है? क्या आप अखिलेश सरकार की किसी नीति के बारे में जानते हैं? तो खैर, दो तीन नीति अच्छी चलाई है उन्होंने, जो जो 108 नंबर की जो मोटर लगाई है, गाड़ी लगाई है, पुलिस सेवा जो लगाई है, अच्छी लगाई होगी। और मतलब ऐसी कोई नीति, वो तो चलिए, वो उसमें सबका फायदा है, ऐसी कोई नीति जिसमें आपके गांव में कुछ फायदा दिख रहा हो? गांव का तो खैर ये है कि अभी लोहिया मांगा, हर चीज तरक्की हो रही है, सड़क की तरक्की है, ये लोहिया स्कीम में बनी है सड़क, ये कौन सी वाली? ये वाली है, और ये वाली किस स्कीम की सड़क है? ये पहले से ये जिला पंचायत की सड़क है, ये लोहिया स्कीम की सड़क है, बताइए। हाँ, तो ये प्रधान जी ने कराई है, तो हर गांव में सीमेंटेड सड़क हो गई है। अच्छा, लेकिन आप अपने से वोट क्यों नहीं देती हैं? वोट कहाँ से दे? आप इस बार किसी पे भी बटन दबा देना, लेकिन अपनी मर्जी का वोट देना। आप
तो जब हमारे बच्चे रहेंगे और हमारे बड़े बुड्ढे रहेंगे उनके साथ में हम चलेंगे, हम उनसे बाहर नहीं। तो आप ऐसा करना, आप उनको बताना कि इस बार मैं बताती हूँ कि किसे वोट देना है। मैं तो बिना पढ़े लकी भूल जाऊँ, एक बार मेरी बात मानो, मैं पढ़ी हुई ना हूँ, मुझे भूल जाऊँ मैं तो। चलिए अच्छा ठीक है चलते। पैसा मिलता है जो कह रहा वोट देते कि पैसा दवा दो, इसकी बात कौन समझेगा। नहीं नहीं इनकी बातें समझ में आ रही है, वो कह रहे हैं कि पैसा दे के भी लोग वोट लेके भी देता है कि नहीं है। इनकी बातें आपकी बातें खूब समझ में आ रही है कि पैसा भी चलता है। तो आप चुनाव आयोग का एक नंबर रखो और फोन करो चुनाव आयोग को जरा सा। वो मुझे बुलाएंगे आप, बहुत अच्छा, आप बुलाना आप मुझे, पैसा बटेगा तो नंबर भी देता हूँ। इस गांव में क्या कितनी आबादी होगी इस गांव की आप बता सकते हैं? लगभग 4500। 4500 आबादी है। अरे भाई हम जान पहचान वाले हैं, मेरे पीछे पड़ गए, ये क्या लिस्ट बना रहे हैं सर? दावत बांट रहे हैं। दावत दावत बांटना मतलब दावत दे रहे हैं, दावत शादी है, शादी है। अच्छा तो इसमें सारा ये पिताजी ने लिस्ट बनाया कि इनको जाके बोलाना है, हमारे बिहार में इसको विजय कराना कहते हैं। अच्छा विजय कराना, आप लोग क्या बोलते हैं इसको? दावत देना। दावत देना तो सबको घर कार्ड तो दिया होगा ना आपने पहले, लेकिन अब जाके बोल के भी आना है कि कल दावत है जी, कि कल दावत है तो आना है सबको। चतेर बाबा को बोल दिया आपने, कालीचरण जी को बोल दिया है, डॉक्टर रामचरण जी को बोल दिया और नरेंद्र रामपाल जी को बोल दिया। तो इसमें सब एक ही जाति के लोग हैं, हर जाति के लोग, हर जाति के लोगों को आपने दावत दी है। क्या बात है, बड़ी शानदार दावत दी है। कितने लोगों को दावत दे रहे हैं आप? 123, 152, अरे बाप रे 185 है। 185वीं नंबर पे कौन है? यूसुफ साहब है ना, और पप्पू भाई भी है, इलियास भाई भी है। क्या बात, आपका गांव तो बड़ा शानदार है। इकबाल भाई भी हैं, हरिराय जी भी हैं, घनश्याम जी भी हैं। तो आप लगभग 200 लोगों को न्योता देने जा रहे हैं है ना, कि यहाँ दावत है, बहुत अच्छी बात है। पर आप वोट कब करेंगे? आप वोट करते हैं? नहीं, आप वोट करते हैं? आप अच्छा तो आप अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, कैसे अपना मत बनाते हैं? क्यों बंद कर दिए? फाड़ के ले जावे थे जी, अखबार ले ले थे, मोहल्ले वाले छोड़ रहे थे, उसने लेना। अच्छा एक मोहल्ले में क्या एक ही अखबार आ रहा था? हाँ तो सब के रहे थे जी, जो नाले में था वही लेकर चला जावे था। अच्छा तो फिर आपको कैसे पता चलेगा? बताओ क्या कहो, ये क्या बताना? देवराज रामपाल के, हाँ देवेंद्र रामेर देव। अच्छा ये अपने काम में बिजी हो गए, छोड़ी चलिए इनको, छोड़ दीजिए आप, ये दावत बांट रहे हैं।